हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं पद्मनाभ स्वामी टेम्पल और आज निवेद का फर्स्ट मुंडन, जो फर्स्ट हेड सेव होता है, आज वो होगा, जिसे हम लोग मुंडन संस्कार बोलते हैं। और ये मैं आटे की लोई बना रही हूँ, इसमें हल्दी डाल के ये शुभ माना जाता है। इसमें इसके बाल रखेंगे और निवेद को शांत कराने के लिए अब हम इसके हाथ में पैसे और मिठाइयाँ भी देंगे। ये शुभ माना जाता है। मुझे भी खिला दो, पैसे ले लो, मुझे खिला दो, मुझे भी खिलाना। और हाँ, पापा को, हाँ दे दो, थोड़ा सा तुम खा लो। ये मत रुक जा बेटा, मैं खा लूँ। हाँ ठीक है, आप अच्छे से रहो, ठीक है। हाँ ये खाएंगे, ये बाल को अच्छा करते उसके बाद निकलते हैं ना। मेरे लिए दुख कंघी कर दो, कंघी करके फिर निकलते हैं, ठीक है। ठीक है, जो निवेद रो रहा था, तो हमारे यहाँ कहते हैं कि जब बच्चा रोता है तो अच्छा माना जाता है, उसके मामा के लिए अच्छा होता है। और ये एक संस्कार होता है, मुंडन संस्कार, जो हम लोग यहाँ पद्मनाभ मंदिर में करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत फेमस मंदिर है ये। यहाँ दूर दूर से, देश विदेश से लोग दर्शन करने आते हैं। और यहाँ पे अब इसका मुंडन हो जाएगा, निवेद का ये हो रहा है, जिसमें हम इसके बाल इस लोई पे रख रहे हैं। और मुंडन होने के बाद इसको हम नहलाएंगे और नए कपड़े पहनाएंगे, और फिर इसके बाद ये जो बाल हैं इसको जल में प्रवाहित करेंगे। फिर निवेद के सर में हल्दी और चंदन का लेप लगाकर निवेद को श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर ले जाएंगे दर्शन कराने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि जो ये पेट के बाल होते हैं, जो झालर बोलते हैं इसे, तो अगर बच्चे के होते हैं तो किसी भी बड़ी मंदिर में इसको ऐसे झालर लेके नहीं जाते, और अगर आप जाओ तो वो झालर वहाँ पर उतारनी होती है। तो अब हम यहाँ पे ये झालर इसकी चढ़ा के भगवान को और इसको दर्शन कराने ले जाएंगे। मंदिर का एक अलग ड्रेस कोड होता है, मंदिर ऐसे ही आप सूट पहन के या जींस पहन के नहीं जा सकते, तो उसके लिए आपको कैसे जाना है, उसके लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम आई बटन में दे देंगे, हमारी एक वीडियो बनी हुई है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो मंदिर होती हैं, वहाँ जब हम लोग मुंडन संस्कार करवाते हैं तो मंदिर के ही प्रांगण में ये मुंडन संस्कार होता है विधिवत से। और यहाँ पद्मनाभ स्वामी जो मंदिर है, ये पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है विष्णु भगवान की। तो प्रांगण को थोड़ा साफ सफाई रखने के उद्देश्य से यहाँ पे मुंडन संस्कार मतलब एकदम मंदिर के पास वर्जित है। तो मंदिर के पास ही सलून है, जस्ट पास में ही है, तो हम लोग यहाँ पे आके इसका मुंडन करवा रहे हैं। और फिर यही जो बाल है इसके, तो इसको हम लोग कहीं पर भी जल में प्रवाहित कर देंगे और इसे नहला के मंदिर लेके जाना है हम लोगों को। अगर आप लोग भी पद्मनाभ स्वामी मंदिर आना चाहते हैं और यहाँ पे अगर मुंडन संस्कार करवाना चाहते हैं, तो आप लोग भी आ सकते हैं, और पास में ही सलून है ये, एकदम जस्ट मंदिर के पास में ही है, तो आप वहाँ पे करा के और जो इसके बच्चों के जो झालर होते हैं जल में प्रवाहित कर सकते हैं। और फिर इसके बाद नहला धुला के बच्चे को और उसके चंदन और हल्दी का लेप लगा के आप मंदिर दर्शन करने ले जा सकते हैं। और गाइज, अगर आप दोपहर के टाइम पे आते हैं, दोपहर को अगर आप करवा रहे हैं, तो दोपहर को 12 बजे तक आपको मंदिर के अंदर एंट्री मिलेगी। और जो 12 बजे वाली आप लोग दर्शन करते हैं, तो इसके बाद आपको वहाँ एक भोग मिलेगा, जो भगवान को प्रसाद लगता है, जो खाना बनता है, वो इतना स्वादिष्ट होता है गाइज, सच में इतना मतलब लगता है वो भगवान के प्रसाद के सामने आप 5 स्टार होटल कुछ भी नहीं, कहीं का भी खाना कुछ नहीं होता, वो इतना सिंपल सा खाना होता है, और उसको खाओ तो बस लगता है काश ही खाते जाओ, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, भगवान का एकदम एक कृपा हो जाती है उसमें। और जो शाम का व्यू है मंदिर का, वो बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि चारों तरफ लाइट जलती है मंदिर में, और मंदिर के ही बगल में पद्मनाभ कुलम है, यानी कुंड है, उसमें पूरा प्रतिबिंब मंदिर का उसमें पड़ता है, बहुत ही सुंदर लगता है गाइस सच में देखने में। हमारे चैनल में उसकी वीडियो है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।